अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कुल्हड़ वाली टमाटर चाट की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हमने लिया है प्रेशर कुकर, इसमें हम डालेंगे 1 कप मटर। मटर को हमने जो है रात भर भिगा करके रखा था, तो चलिए इसे डाल देते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब हम इसमें डालेंगे पानी, तो मैं यहाँ पे 2 कप पानी डाल रही हूँ। पानी हमें इतना डालना है कि वो मटर से थोड़ा ऊपर ही रहे। तो देखिए पानी थोड़ा ऊपर ही है मटर से। तो अब हम इसकी लिड लगा देंगे, हाई फ्लेम पे 1 सीटी आने तक पकाएंगे, फिर फ्लेम को करेंगे मीडियम और मीडियम फ्लेम पे हम 5 सीटी लगा लेंगे। तो अभी ये हो गया है, हमने इसके जो प्रेशर है उसे ऑटोमेटिकली रिलीज़ होने दे दिया था। और अभी हम इसे जो है खोल करके चेक कर लेंगे। तो चलिए इसे खोल लेते हैं। और ये देखिए मटर जो है गल चुकी है। आप हमेशा मटर को चेक कर लें, अगर वो ना गले तो 1-2 सीटी और लगा लें। देखिए मैं इधर आपको चेक करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए मटर बिल्कुल गल चुकी है, तो ये रेडी है। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। तो हमने यहाँ पे लिया है कढ़ाई, इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून देसी घी। आप चाहें तो बटर या फिर ऑयल भी ले सकते हैं इसकी जगह। और जब घी गर्म हो जाए तो इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून ग्रेट किया हुआ अदरक और 2 हरी मिर्च डाल देंगे। और लो फ्लेम पे 30 सेकंड के लिए इसे हम भून लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कट की हुई। और प्याज का कलर चेंज हो जाए हल्का, तब तक जो है हम इसे मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। तो प्याज का कलर चेंज हो गया है, तो अभी हम इसमें डालेंगे टमाटर। हमने यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, क्योंकि हम टमाटर की चाट बना रहे हैं तो टमाटर ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए हमने 4 लिया है। और टमाटर को 2 से 3 मिनट तक जो है मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे पाउडर मसालों को। तो 1 टीस्पून डाल देंगे चाट मसाला पाउडर और 1 टीस्पून ही डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून डाल देंगे हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून ही डाल देंगे भुने हुए जीरे का पाउडर। आप चाहें तो काला नमक भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। और इसे मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे नमक, तो नमक आप अपने स्वाद के ही अनुसार लें। और अब जो है हम इन सारी चीज़ों को 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। तो हमने इसे भून लिया है, तो अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ पानी। और अब हम इसे ढक करके टमाटर के सॉफ्ट होने तक हम इसे जो है पका लेंगे। तो 5 मिनट हो गया है, इसे खोल करके चेक कर लेंगे। और टमाटर जो है अभी सॉफ्ट हो गए हैं, आप देख सकते हैं टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अभी हम इसमें डाल देंगे आलू। तो हमने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ का उबला हुआ आलू लिया है, और आलू को जो है हाथ से हल्का सा मसल के डालना है। और आलू को सारी चीज़ों के साथ हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे उबले हुए मटर को और इसे जो है मिक्स करेंगे। और इसे जो है ना हम हल्का हल्का इस तरह से करते हुए सारी चीज़ों को मैश करेंगे। तो सारी चीज़ों को हम मैश कर लेंगे। देखिए हमने इसे जो है मैश कर लिया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून धनिया की पत्ती और इसे मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून इमली का पानी। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसे डालने से काफ़ी चटपटा और मज़ेदार टेस्ट आएगा, तो ज़रूर डालें। और इसे जो है मिक्स कर लेंगे। और बस लीजिए ये तैयार है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे। तो हमने यहाँ पे कुल्हड़ ले लिया है और इसमें हम डाल देंगे चाट को, जिसे हमने अभी रेडी किया था। तो हम डाल देंगे चाट को इसमें। और अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कट की हुई प्याज और अब हम इसमें डाल देंगे धनिया की पत्ती और अब हम इसमें डाल देंगे हरी चटनी,
तो हरी चटनी में जो है मैंने लहसुन, हरी मिर्च और धनिया डाल करके तैयार किया है ये हरी चटनी। और अब हम इसमें डाल देंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी। और अब हम इसमें डाल देंगे दही। तो दही में मैंने जो है 1 टेबल स्पून चीनी डाल के इसे अच्छे से फेंट लिया था। आप चाहें तो खट्टी दही भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे पापड़ी। तो पापड़ी जो है इसे मैंने हाथ से क्रश कर लिया था और फिर मैं इसे डाल रही हूँ। आप कोई भी चीज़ ज़्यादा कम अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे सेव। और अब हम इसमें डाल देंगे अनारदाना। तो अब दोस्तों चाट बन करके तैयार है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा बना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।